हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिन साहू ऑनलाइन क्लासेस। ये इकोनॉमिक सर्वे का सेकंड पार्ट होगा। लास्ट वीडियो में हमने विद्युत एवं आधारभूत संरचना से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कवर किए थे, ठीक है। अभी उसके आगे का देखेंगे। विद्युत उपभोक्ता स्थिति 2020-21 के अंत में देखते हैं कुल उपभोक्ता की संख्या कितनी है, ठीक। पहले तो हमने कितना उत्पादन कितना हुआ है ये देखा था लास्ट वीडियो में, और उससे कौन कौन से अवार्ड मिले हैं ये देखा था। अब उपभोक्ताओं की संख्या देखते हैं। ये भी पूछ सकता है कि विद्युत कुल छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, तो 59.03 लाख, ठीक है। 59.03 लाख क्या है, ये विद्युत उपभोक्ता की संख्या है। अगर देखें कि पिछले वर्षों की तुलना में, पिछले नहीं विगत वर्षों की, मतलब जितने 5, 6, 7, 8, 9 इतने वर्षों की तुलना में विद्युत उपभोक्ता मतलब विद्युत खर्च करने वालों की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो वो है 1.95%। मतलब इतने प्रतिशत जनसंख्या विद्युत का अधिक और इस्तेमाल करने लगी है, ठीक है। फिर देखते हैं कुछ क्रम बताया है कि कौन से श्रेणी के लोग कितने ज़्यादा विद्युत की खपत करते हैं, ठीक है, कितना उसका उपभोग करते हैं, मतलब विद्युत कौन से फील्ड में ज़्यादा उपयोग होता है। वैसे तो हर फील्ड में उपयोग होता है, बट यहाँ पे कुछ दिया गया है श्रेणी, विद्युत उपभोक्ता श्रेणी। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है घरेलू काम में, मतलब घरेलू जो घर में जो यूज़ होता है वो। फिर आते हैं BPL, ठीक, फिर कृषि हितग्राही, गैर घरेलू, फिर औद्योगिक श्रेणी। तो आप ये बस याद रखिएगा कि विद्युत उपभोक्ता की श्रेणी में सबसे पहले आता है घरेलू वाला। फिर देखते हैं विद्युत उपभोक्ता का स्वरूप 2020-21 में कितना है, कुल विद्युत कितना खपत हुआ है, तो वो है 23,361.34 मिलियन यूनिट, इतना खपत हुआ है, ठीक है। 23,300 बस याद रख सकते हैं राउंड फिगर में, 23,300 ये क्या हुआ है, विद्युत खपत हुआ है, ठीक। अब देखें कि खपत सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, ये था उपभोग कहाँ हुआ है, विद्युत उपभोक्ता की श्रेणी घरेलू में इतने प्रतिशत उपभोग करते हैं, और खपत सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र में खपत सबसे ज़्यादा होता है, औद्योगिक क्षेत्र में। पता है आपको 24 घंटे वहाँ विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खपत होता है। तो उपभोक्ता और खपत दोनों में अलग अलग है, ये ध्यान में रखिएगा। कितना यूनिट खपत हुआ है, 23,300 और मिलियन यूनिट, और कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ, तो औद्योगिक क्षेत्रों में, ठीक। अब देखिए हाफ बिल योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाफ बिल योजना के अंतर्गत 2021 में, मतलब ये अगस्त 2021 तक के ही डेटा अभी तक मिले हैं, शामिल हुए हैं, ठीक है, में राज्य के लगभग कितना 40 लाख उपभोक्ताओं को 405 करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है। मतलब जो हाफ बिल योजना है ना, कि कितने यूनिट से कम अगर बिजली का बिल आएगा तो उसे हाफ किया जाएगा, ठीक। तो कितने लाख उपभोक्ताओं को, 40 लाख, लगभग 40.22 लाख उपभोक्ताओं को कितने करोड़ की, 405 करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है, ठीक। ये भी पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये विद्युत वाला हुआ। अब आगे देखते हैं वानिकी, ठीक। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये तो वो जो हमने स्टार्टिंग में किया था उससे आते हैं कि कौन से क्षेत्र में कितना GSDP में ग्रोथ हुआ है, अभी विकास दर क्या है, कब ऋणात्मक था, कब सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, और दूसरा एक तो वन और तीसरा कृषि, ठीक है। इन क्षेत्र से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से कवर करिएगा, ठीक। अब देखते हैं वानिकी वाला, तो GSDP में वानिकी क्षेत्र का योगदान कितना रहा है 2021-22 में, तो देखते हैं योगदान कितना रहा है, 2.74%, ठीक, वानिकी क्षेत्र का, मतलब वन का योगदान कितना रहा है, 2.74%, ठीक, 2.74%। और अगर लाख रुपए में देखें तो लगभग 7 लाख रुपए है, आप ये याद रखिएगा, परसेंट प्रतिशत इसका याद रखिएगा, ठीक है। GSDP में वानिकी क्षेत्र का योगदान कितना है, 2.74%, ठीक। अब देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, छत्तीसगढ़ में वन की स्थिति कितनी है, तो राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो कितना है, 1.35, 1.91, कहीं कहीं पे 1.94 मिलता है, बट इकोनॉमिक सर्वे में 1.91 वर्ग किलोमीटर लिखा है, ठीक। तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। प्रदेश का वन क्षेत्रफल, अब इसमें 1.35, 1.91 में प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 59,772 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रदेश में वन क्षेत्रफल कितना है, तो
59772 याद रखिएगा वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.2% है। ठीक, कितना प्रतिशत है? 44.2%। कौन? 59772। ठीक है, और अगर देखें वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। ठीक है, और वन आवरण की दृष्टि से ये तीसरा स्थान है। ठीक है, एक होता है वन आवरण प्लस वृक्ष की संख्या, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, क्षेत्रफल अगर देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान है, और वन आवरण की दृष्टि से मतलब कितने एरिया में ट्री कवर है, ठीक है, ट्री कवर वाला आएगा तो वो आएगा तीसरा स्थान। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन भी होते हैं इसमें, क्षेत्रफल बोलेगा तो चौथा और आवरण बोलेगा तो तीसरा। ठीक है, फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम रायपुर, इसका गठन कब हुआ? मई 2001 में यह अस्तित्व में आया। स्थापना के समय इसमें कुल परियोजना मंडल कितनी शामिल थी? 4 परियोजना मंडल शामिल थी, और वर्तमान में कुल 9 परियोजना मंडल शामिल है। ठीक है, इसमें 9 परियोजना मंडल में औद्योगिक परियोजना मंडल कोरबा जगदलपुर रायगढ़ भी शामिल है। ठीक है, यह औद्योगिक परियोजना मंडल कोरबा जगदलपुर रायगढ़ भी शामिल है। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी परियोजना मंडल है पूछे, तो 9 है। जब स्थापना हुआ तब कितने थे? 4 थे। कब हुआ स्थापना? मई 2001 में। ठीक, आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ वन एक दृष्टि में। अब देखिए छत्तीसगढ़ में वनों को अलग अलग दृष्टि से विभाजित किया गया है, या आपने अगर छत्तीसगढ़ पढ़ा होगा वन चैप्टर तो आपको पता होगा। ठीक है, वही डेटा है तो उसे हम देखते हैं कौन कौन से उसमें क्षेत्र में विभाजित किया गया है। एक तो है आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। ठीक है, इन्हीं का टोटल क्या है? 59772, जो हमारा वन क्षेत्रफल है। कितना है? 59772। ठीक है, जो कि कितना प्रतिशत है? 44.2%। ठीक, तो इसे तीन भागों में बांटा गया है, आरक्षित संरक्षित अवर्गीकृत। इसका क्रम आप ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है, आरक्षित संरक्षित और अवर्गीकृत इसी क्रम से याद रखिए। ठीक, आरक्षित संरक्षित अवर्गीकृत। ठीक, स बीच में है, बाकी दोनों अ ऊपर है। ठीक है, ये आ है फिर ये अ है। ठीक, स बीच में है, ये आ ऊपर है फिर स फिर अ। ठीक, ऐसे याद रखेगा। तो आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? अगर आप ये डेटा याद रख सके तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो प्रतिशत याद रखिएगा, पूछता है। तो आरक्षित वन कितना है? 43, संरक्षित है 40 और अवर्गीकृत वन है 16। ठीक है, 43, 40, 16। ठीक, 43, 40 और 16 पहले ऐसे याद रखिए कि उसके पॉइंट के बाद का ध्यान में रख सकते हैं। तो आरक्षित वन कितने हैं? 43.13, संरक्षित वन है 40.22 और अवर्गीकृत वन है 16.65। ठीक है, तो ये वर्गों का कुछ वनों का कुछ वर्गीकृत किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आते हैं लघु वन उपज सहकारी संघ। यह वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अंतर्राष्ट्रीयकृत वनोत्पादों को उचित मूल्य पर क्रय करता है। ठीक है, कौन करता है? लघु वनोपज सहकारी संघ। ठीक है, वो राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत जो वनोत्पाद होते हैं ना, वनों से जो उत्पादन प्राप्त होते हैं, जैसे तेंदुपत्ता हो गया, हर्रा बहेड़ा, ये सब हो गया, उन्हें प्राप्त करते हैं, उन्हें उचित मूल्य पर क्रय करता है। दूसरा है, भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज हेतु 2014-15 से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना कब से लागू है, तो 2014-15 से। फिर देखिए हर्रा एवं साल बीज का संग्रहण भी 2014-15 से किया जा रहा है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना 14-15 से लागू हुआ है और हर्रा बीज वाला भी 2014-15 से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में अभी जो वर्तमान में पेश हुआ है, में श्री भूपेश बघेल ने बजट भाषण के अनुसार वर्तमान में कुल 65 लघु वनोपज को राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है। पहले 52 वनोपज को किया जा रहा था। ठीक है, सबसे पहले कुछ 6 वनोपज ही थे, फिर और कुछ शामिल किए इसमें ऐड करते गए। ठीक है, तो इससे पहले था 52 वनोपज थे जिनको समर्थन मूल्य पर लिया जा रहा था, अब हो गए हैं 65 लघु वनोपज जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा क्रय किया जा रहा है। ठीक, फिर देखते हैं तेंदुपत्ता वनोपज है अपना, तेंदुपत्ता
इसका इकाई कैसे होता है, लाख मानक बोरा, ठीक है, लाख मानक बोरा में इसे काउंट किया जाता है। उत्पादन वर्ष 2021 में कितना था, 9.73 लाख था, अभी इसमें वृद्धि हुआ है 13.06 लाख इसमें उत्पादन हुआ है, ठीक है। तेंदुपत्ता का उत्पादन कितना हुआ है, 13 तसे, तेंदुपत्ता तसे 13 लाख उत्पादन हुए हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तेंदुपत्ता पारिश्रमिक संग्रह, इस संग्रह दर, इसे भी जब बजट पूर्व बजट पेश हुआ था तो उसे भी चेंज किया गया था, तो अभी कितना है, तेंदुपत्ता पारिश्रमिक संग्रह दर 4,000 रुपये प्रति मानक दर बोरा है, और एक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता रखे जाते हैं, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिएगा, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा और 50,000 तेंदुपत्ता एक बोरे में होते हैं, ठीक। तो ये हुआ वानिकी वाला कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, इसे आप अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है पशुधन, जीएचडीपी में पशुधन का योगदान, हमने देखा था वानिकी का योगदान कितना था, 2% था लगभग, ठीक। अब पशुधन का योगदान कितना है, 1.63%, कितना है पशुधन का योगदान, 1.63%, ठीक है। और लाख में देखें तो 4,17,187 लाख रुपए, ठीक, जीएचडीपी में पशुधन का योगदान। पशु संगणना 2019 के अनुसार प्रदेश में कुल पशुधन संख्या कितनी है, 1.59 करोड़ है, ठीक, 1.59 करोड़ कुल पशुधन की संख्या है, मतलब इतने पशु हैं सभी पशु मिला के, ठीक। और उसमें गौवंशी पशु हैं 32 लाख, भैंस हैं इतने, बकरी, शुकर, ये सब है संख्या है। आप कुल पशुधन को ध्यान में रख सकते हैं, 1.59 करोड़ सॉरी पशुधन की संख्या, ठीक है। फिर कुक्कुट एवं बतख पक्षी, मतलब जो चिकन और वो जो बतख पक्षी है उनको अलग काउंट किया जाता है, तो वो है 1.87 करोड़, ठीक है। फिर देखते हैं मत्स्य विकास, स्थिर भाव जीएसडीपी में मछली उद्योग का योगदान, मछली उद्योग का योगदान लगातार बढ़ते जा रहा है, प्रति वर्ष बढ़ा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यह समुद्री तट राज्य न होने के बाद भी यहाँ मछली पालन में बढ़ोतरी देखी गई है, ठीक। तो अभी कितना है योगदान, कितना दिया गया है मछली मत्स्य विकास में, 2.27%, ठीक है। वानिकी का भी 2% है, मछली का भी 2% है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मत्स्य विकास क्या हुआ है, यहाँ प्रदेश में कुल जल क्षेत्र कितने उपलब्ध है, 1.92 लाख हेक्टेयर, इतने जल क्षेत्र यहाँ प्रदेश में विद्यमान है, जिसमें मछली पालन हेतु विकसित जल क्षेत्र कितना है, 1.812 लाख हेक्टेयर, ठीक है। इतने मछली पालन के लिए विकसित हो गया है, ऐसे याद रख सकते हैं, 1.9 लाख हेक्टेयर है जल क्षेत्र, जिसमें 1.8 में क्या हो गया है, मछली पालन हेतु विकसित कर लिया गया है, ठीक। कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 94%, ठीक, ये पूछा था एक बार एग्जाम में, कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत मछली पालन के लिए उपयोग किया जाता है, 94.38%, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं 2020-21 में कुल मछली उत्पादन कितना हुआ था, 5.77 लाख मिलियन टन हुआ था, ठीक है। फिर देखते हैं गत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, 7.34, तो आपको यहाँ पे कौन से डाटा याद रखने हैं, प्रदेश में कुल जल क्षेत्र कितना है, 1.92, और मत्स्य पालन के लिए उपलब्ध हुए हैं 1.82, ठीक है, 82 कर सकते हैं पॉइंट में, 1.92 और मछली पालन के लिए 1.82। कुल जल क्षेत्र का प्रतिशत कितना विकसित है, मछली पालन के लिए 94%, ठीक, इतना ध्यान में रखिएगा। और मत्स्य पालन का कितना है जीएसडीपी में योगदान, मत्स्य विकास में 2.27%। अब आगे देखते हैं जल संसाधन, छत्तीसगढ़ में जल संसाधन की संख्या कितनी है, तो देखिए कुल सिंचित सिंचाई क्षमता क्षमता यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि है, कितने क्या है, औसत कितनी है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। कुल सिंचित सिंचाई क्षमता है 21.34 लाख हेक्टेयर, कितनी है सिंचाई क्षमता, कितनी है 21.34 लाख हेक्टेयर, ठीक है, अभी वर्तमान में है। राज्य गठन के समय कितना था, 13.13 लाख हेक्टेयर समझ लिए, ठीक है। राज्य गठन के उपरांत कितनी वृद्धि हुई है, 8 लाख वृद्धि हुई है, ठीक, तो अभी टोटल कितना है 21 लाख, ठीक है, अभी 21 लाख है, राज्य गठन के समय 13 लाख था, वृद्धि कितनी हुई है, लगभग 8 लाख की वृद्धि हुई है, ठीक है। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत देखें तो 38% है, 38.45%, ठीक, कितना है सिंचाई का प्रतिशत, 38.45%। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है,
वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत है 38.45 और कुल सिंचित सिंचाई क्षमता है 21.34 लाख हेक्टेयर। ठीक, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। आगामी वर्षों के लिए लक्ष्य क्या रखा गया है? कुल बोए गए क्षेत्र का 75% अर्थात 43 लाख हेक्टेयर में से 32 लाख हेक्टेयर में सतही जल से सिंचाई क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। ठीक, नेक्स्ट है निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाएं। तो जब सिंचाई क्षमता की वृद्धि होती है तो बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो कौन कुछ वृहत परियोजनाएं हैं, कितने 8 वृहत परियोजनाएं हैं स्थापित हो गए हैं। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। 37 मध्यम परियोजनाएं हैं, लघु परियोजनाओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक, तो वृहत परियोजनाएं को याद रखिएगा कि 8 वृहत परियोजनाएं हैं जिसमें 4 निर्माणाधीन हैं। आगे देखते हैं, योग समस्त साधनों से कुल सिंचाई क्षेत्रफल, मतलब कुल सिंचित क्षेत्रफल, सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है ये देखते हैं। कुल सिंचित क्षेत्रफल हमने देखा था 21.4 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, 21.4 लाख हेक्टेयर बोल सकते हैं। सिंचित प्रतिशत देखें तो 37% सिंचित प्रतिशत। ठीक है, और ये था सिंचाई का प्रतिशत, वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत देखा था 38%। ठीक है, सिंचाई का प्रतिशत और सिंचित प्रतिशत देखें तो 37% है। ठीक, सर्वाधिक सिंचित जिला देखें, मतलब जहाँ सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तो वह है कोरबा, और न्यूनतम है दंतेवाड़ा। ठीक है, और प्रतिशत में भी कोरबा और दंतेवाड़ा ही है। ठीक, न्यूनतम सिंचित जिला है दंतेवाड़ा, सर्वाधिक सिंचित जिला है कोरबा। योग समस्त साधनों से नीरा सिंचित, मतलब निवल सिंचित अगर प्रतिशत देखें तो वो भी है कोरबा और दंतेवाड़ा। इसे भी ध्यान में रखिएगा, कोरबा और दंतेवाड़ा सर्वाधिक सिंचित जिला और न्यूनतम है दंतेवाड़ा। ठीक है, अब देखिए, दो फसली सिंचित क्षेत्र, क्षेत्रफल मतलब जहाँ डबल फसल लिए जाते हैं। ठीक है, एक फसल खत्म होने के तुरंत उपरांत या साथ में लिए जाते हैं डबल फसल, तो वो वहाँ सिंचित जिला कौन सा है, वो बेमेतरा है। याद रखिएगा, जिला को याद रखिएगा, ये क्षेत्रफल उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जिला याद रखिएगा। दो फसली सिंचित जिला कौन सा है जून 2021 की स्थिति में, बेमेतरा है। ठीक है, और न्यूनतम सिंचित तो जो बस्तर के संभाग के जिले आ जाएंगे ना, वो हो जाएंगे। ठीक, भूगर्भीय जल स्थिति, तो प्रदेश में सतही जल की मात्रा लगभग 48,296 मिलियन घन मीटर है। ठीक, और उपयोग में लाया जा सकता है 41,720 मिलियन घन मीटर। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार डेटा एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, भूजल की दृष्टि से विकास खंड की स्थिति, तो सुरक्षित श्रेणी में 110 विकास खंड है जो भूजल की दृष्टि से बहुत सुरक्षित है, सेफ है। और संकटपूर्ण देखें तो 9 विकास खंड ऐसे हैं जो कभी कभी सूखा घोषित हो जाता है, जैसे अत्यधिक गर्मी पड़ता है, कुछ होता है ना, या बारिश होने के बावजूद वहाँ पे भूजल एकत्रित नहीं हो पाता। ठीक, तो उसे संकटपूर्ण श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए, सिंचाई स्रोत के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र 19-20 के अनुसार, मतलब सर्वाधिक सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आते हैं नहर, फिर है नलकूप, नलकूप मतलब जो बोर होते हैं ना वो, फिर तालाब, फिर कुएं। ठीक है, तो टोटल टोटल कितने हैं, 15,98,954। ठीक, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई आसानी किससे पड़ता है, नहरों से। ठीक है, नहर हर गांव तक पहुंच सुविधा होती है, फिर दूसरा होता है नलकूप से, फिर तालाब, फिर कुआं। ठीक है, तो सिंचाई सुविधा सबसे ज़्यादा किससे होती है, नहर, फिर नलकूप, फिर तालाब। ठीक, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। फिर देखिए, वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। सिंचित क्षेत्र हमने देखा था, लगभग 36% सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक, सिंचाई सुविधा देखे थे, सबसे ज़्यादा कहाँ है, कोरबा में, न्यूनतम दंतेवाड़ा में। सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशयों नहरों के माध्यम से एवं 29% क्षेत्र नलकूप के माध्यम से सिंचित है, मतलब सबसे ज़्यादा हमने देखा था नहरों के माध्यम से, ये नहरें हैं 52% क्षेत्र, कितने 52% क्षेत्र नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है, और 29% कौन से, नलकूप के माध्यम से। ठीक है, नहरे से ज़्यादा और नलकूप से 29। ठीक, तो ये हो गया सिंचाई वाला।
अब एक लास्ट टॉपिक है, छोटा सा देख लेते हैं, कृषि एवं संबंध सेवाएं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के, ये तो पता है, प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। ठीक है, वर्तमान में प्रदेश की सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से 52% क्षेत्र जलाशयों नहरों के माध्यम से एवं 29% क्षेत्र नलकूप के माध्यम से सिंचाई किए जाते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था ये। ठीक, स्थिर भाव पर फसल क्षेत्र का GSDP में योगदान, अब फसल क्षेत्र का GSDP में योगदान कितना है, 10%। ठीक, फसल क्षेत्र का याद रखिएगा योगदान कितना है, 10% GSDP में कितना है, 10%। हमने कौन कौन सा देखा, वानिकी का देखा, विद्युत का देखा, ठीक है, और कौन सा देखा था, मत्स्य वाला, मत्स्य पालन का, ठीक है, मत्स्य विकास का। ठीक, तो इन सब का याद रखते चलिएगा। स्थिर भाव में GSDP में किसका योगदान, फसल क्षेत्र का योगदान 10% है, ज़्यादा है। ठीक है, भूमि उपयोग, सकल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, एक से अधिक बोया गया क्षेत्रफल, तो सकल बोया गया क्षेत्र देखिए 57 लाख लगभग है। ठीक है, 57 लाख है। ठीक, और शुद्ध बोया गया है 46 लाख लगभग, तो ऐसे याद रख सकते हैं राउंड फिगर में, लगभग 57 लाख है सकल बोया गया और शुद्ध है 46 लाख। अब यहाँ पे याद रखने वाला है कि ये है कुल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र और दो फसली क्षेत्र कहाँ कहाँ है। ठीक, तो याद रखिएगा कुल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र दोनों है, राजनांदगांव में सर्वाधिक है और नारायणपुर में न्यूनतम है। ठीक है, कुल बोया गया और शुद्ध बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है, राजनांदगांव, न्यूनतम है नारायणपुर, राजनांदगांव नारायणपुर। ठीक है, याद रखिएगा। दो फसली क्षेत्र में भी सेम है, राजनांदगांव में सब सर्वाधिक है और न्यूनतम बीजापुर है। ठीक है, तो शुद्ध बोया गया और कुल बोया गया क्षेत्र तो ध्यान में रहेगा राजनांदगांव, वहाँ सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र मतलब बोए जाने जहाँ क्षेत्रफल है ज़्यादा है और न्यूनतम है नारायणपुर में, और वैसे ही दो फसली में देखें तो राजनांदगांव और बीजापुर है न्यूनतम। ठीक, तो ये हो गया इकोनॉमिक सर्वे, ख़त्म होता है। इसके बाद हम आगे बजट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके भी कुछ डेटाज इम्पॉर्टेंट वो डिस्कस करेंगे। इसे आप दोबारा पढ़िए, याद नहीं होता है, डेटाज रिवाइज करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसे चार्ट बना के लिख लीजिए एक जगह, जैसे प्रीवियस वीडियो में, जैसे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा ऐसा बना है, ऐसे चार्ट बना के याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।